सरकार गंभीर है और चिंतित है जी। तो ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे लिंचिंग या इस तरह के हिंसा में उलझे वाले लोग उनको बुरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दें। ऐसा वाकया किसी भी इंसान के साथ, चाहे किसी धर्म का हो, जाति का हो, काला हो, गोरा हो, सबके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुकेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो हर छोटी बात पे कानून ले आते हैं, इस पे कानून क्यों नहीं लाते? इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली के जंतर मंतर पे, और जहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर टेस्ट हो रहा है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर, हर हफ्ते कहीं ना कोई मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन उस मॉब लिंचिंग को होने के बाद हमेशा हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट होते हैं, और इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हारून यूसुफ मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। हारून भाई, बहुत बहुत खैर मकदम है माइनॉरिटी न्यूज़ में आपका। इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग एहतजाज जताते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा ये घटना हो जाती है, कितनी शर्मनाक है देश के लिए। फिलहाल 2014 के बाद से ये जो घटनाएं बढ़ गई, देखिए न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि मैं समझता हूँ सबसे गैर इंसानी और एक हैवानियत का जो काम है वो हो रहा है पूरे देश। उसका कारण ये है, एक तो बेरोजगारी बड़ा कारण है। एक नौजवान जो शिक्षा प्राप्त करता है और नौकरी नहीं है उसको, तो वो इस तमाम चीज़ों में जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उनमें लग गया है। और जब मॉब लिंचिंग करने वालों को, जिस तरह सुबोध कुमार इंस्पेक्टर जो थे बुलंदशहर के, जिस तरह उन्हें गोली मारी गई, जिस तरीके से जो जेल भेजे गए 6 महीने में रहने के बाद जब उनको लाया गया, और ऐसा लगता है कि उसको बजाय समाज कंडेम करता उसको मालाएं लेकर इस्तकबाल कर रहे हैं। इसी तरह झारखंड की एक घटना हुई थी जब इनकी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वयं खुद उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि समाज को उठने की ज़रूरत है, खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इस देश में, चाहे कोई धर्म हो आपका, कोई जाति हो, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। और मैं जो कांग्रेस का स्टैंड है वो किस तरीके से है ऐसी घटनाओं को लेते हुए जो फिलहाल अभी देश के अंदर घटनाएं घटती चली जा रही हैं, हम और आप देख रहे हैं जिस तरीके से चांदनी चौक आपका इलाका है वहाँ पर जो घटना घटी, उसके अंदर 304 को पहले लगाया गया, 304/35 को, उसके बाद जब प्रेशर दिया गया लोगों का, इत्तेहाद दिखाया गया, तो वो 302 में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पुलिस की मानसिकता भी बदलती जा रही है? देखिए, मानसिकता सरकार की होती है जी। अगर वो इस मानसिकता से काम करती है, एक कत्ल होता है और उसको 304 के तहत चार्ज किया जाता है। मैं समझता हूँ कि आज देश के अंदर तमाम वो लोग जो इंसानियत पर विश्वास रखते हैं उनको इकट्ठा खड़े होके कंधे से कंधा मिला के ऐसा वाकया किसी भी इंसान के साथ, चाहे किसी धर्म का हो, जाति का हो, काला हो, गोरा हो, सबके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुकेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो हर छोटी बात पे कानून ले आते हैं, इस पे कानून क्यों नहीं लाते? लिंचिंग पे कोई बिल नहीं बनाया गया आज तक। ये मान के चला जाए बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से एजेंसियों का। देखिए, मैंने कहा ना आपसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई हमसे बात करने के लिए। तो जैसा इस वक्त हमारे साथ में हारून यूसुफ साहब ने बहुत साफ तौर से कहा कि जब देश की सरकारें बड़े बड़े मामलों के ऊपर कुछ ही घंटों के अंदर कानून बना देती हैं, तो मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? कैमरा पर्सन सलीम के साथ में आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से।